दक्षिण राजस्थान में इस बार अच्छी वोटिंग हुई। डूंगरपुर जिले की बात करें तो यहां 75.38% मतदान हुआ। जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें डूंगरपुर में 72.76%, आसपुर में 73.71%, 84 में 81.76% और सागवाड़ा में 73.73% मतदान हुआ। आदिवासी मतदाताओं पर सभी बड़े राजनीतिक दलों की नजरें टिकी रहीं, लेकिन यहां क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा नजर आ रहा है। जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों में से पिछली बार 2 सीटों पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, जबकि 1 सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। इस बार के चुनाव में भी क्षेत्रीय पार्टियों के जीते हुए और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार फिर से चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के लिए ये दल किसी खतरे से कम नहीं है। गत विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। 84 से राजकुमार रोत और सागवाड़ा से राम प्रसाद डिडोर विधायक बने थे। आसपुर से उमेश मीणा पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे। बीटीपी में रहे ये तीनों नेता इस बार भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के बैनर तले इस बार भी चुनाव मैदान में है। साथ ही बीटीपी ने भी इन तीनों सीटों पर अपने अलग प्रत्याशी उतारे हैं। डूंगरपुर सीट पर भी बीटीपी और बीएपी के प्रत्याशी कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव में डूंगरपुर सीट कांग्रेस और बीजेपी की सीट भाजपा की झोली में गई थी, लेकिन इस बार सब डरे हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं डूंगरपुर विधानसभा का क्या हाल है। डूंगरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मौजूदा विधायक गणेश घोघरा मैदान में है। यह सीट हमेशा कांग्रेस के कब्जे में रही। केवल एक बार भाजपा 2013 में यहां से जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार भाजपा से बंसीलाल कटारा, भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से कांतिलाल रोत और बीटीपी से डॉक्टर दीपक घोघरा चुनाव मैदान में है। डूंगरपुर में इस बार 72.76% मतदान हुआ है। चलिए अब आसपुर विधानसभा की बात करते हैं। आसपुर विधानसभा सीट से इस बार मौजूदा विधायक गोपीचंद मीणा भाजपा से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने राकेत रोत को प्रत्याशी बनाया। पिछले चुनाव में उमेश मीणा इस सीट से दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार वे भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर मैदान में है, जबकि बीटीपी की ओर से कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा गया। आसपुर में 73.71% मतदान हुआ है। चलिए अब सागवाड़ा विधानसभा की बात करते हैं। सागवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इस बार कैलाश भील और भाजपा की ओर से शंकर लाल देचा चुनावी मैदान में है। पिछले चुनाव यानी 2018 में इस सीट से बीटीपी के राम प्रसाद डिंडोर ने जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा के शंकर लाल देचा दूसरे स्थान पर रहे थे। इस बार मौजूदा विधायक राम प्रसाद डिंडोर इस बार भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। सागवाड़ा में इस बार 73.73% मतदान हुआ है। चलिए अब 84 विधानसभा की बात करते हैं। 84 विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की ओर से ताराचंद भगोरा और बीजेपी की ओर से सुशील कटारा चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में बीटीपी के राजकुमार रोत विजयी रहे थे और सुशील कटारा दूसरे स्थान पर थे। मौजूदा विधायक राजकुमार रोत इस बार भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। 84 में इस बार 81.76% मतदान हुआ है। गौरतलब है आदिवासियों को रुझाने के लिए इस बार कांग्रेस और बीजेपी ने कोई कमी नहीं रखी। बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने आदिवासी इलाकों में खूब सभाएं की। पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने चुनावी सभाएं की। इसके बावजूद भी क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां बीटीपी और बीएपी यहां भारी पड़ती नजर आ रही हैं। देखना होगा कि इस बार यहां कैसा मुकाबला रहेगा। खैर, 3 दिसंबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि आदिवासी इलाके में किस पार्टी को बड़ी जीत मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।